पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके ज़रिए हम खाना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। राउंड द क्लॉक हेल्पलाइन नंबर जारी किए जा रहे हैं रिलीफ और रिहैबिलिटेशन के लिए, वो नंबर डिटेल्स हम आप लोगों को अभी दे देंगे। और एसडीएम्स को नोडल ऑफिस नियुक्त किया गया इन सभी हेल्प डेस्क के लिए। ये जो अफेक्टेड एरियाज हैं इसमें 6 एसडीएम्स हैं अभी और 12 एसडीएम्स को और नियुक्त किया जा रहा है, तो टोटल इस एरिया में 18 एसडीएम्स हो जाएंगे, ताकि और गहन तरीके से यहाँ पे रिलीफ और रिहैबिलिटेशन मेजर्स इम्प्लीमेंट किए जा सकें। 4 नाइट मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति की जा रही है, जो रात को भी अगर ज़रूरत पड़ेगी किसी तरह के रिलीफ की तो वो प्रोवाइड करेंगे। जिन लोगों की मौत हो गई है उनको हर एक को, उनके परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जिसमें 1 लाख रुपया एक्स ग्रेशिया और 9 लाख रुपए डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद होगा। माइनर के केस में, डेथ ऑफ अ माइनर में 5 लाख रुपए का मुआवजा, परमानेंट इनकैपेसिटेशन 5 लाख रुपए का मुआवजा, सीरियस इंजरी पे 2 लाख रुपए का मुआवजा, माइनर इंजरी पे 20,000 रुपये का मुआवजा, अगर कोई ऑर्फन हो जाता है तो 3 लाख रुपए का मुआवजा, एनिमल लॉस 5,000 रुपये प्रति एनिमल, रिक्शा के लिए 2,500, रिक्शा अगर जल गई या रिक्शा खराब हो गई मतलब बर्बाद हो गई तो 25,000 रुपये का मुआवजा।